ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਖੰਦ ਲੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੂੰ ਤੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ ਸੋਪੇ ਯਾਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨੇ ਨਿਭਾਉਂ। वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। और सीधी बात है, हमारा मकसद है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, दिस इज, और कोई क्वेश्चन नहीं है। कठुआ हमारा वैसे ही सफरर है और कई वर्षों से सफरर रहा है, आज से नहीं, ये बड़ा पुराना सफरर रहा है। मैंने भी कोशिश की थी कि इसकी सेवा के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन वो कोई कारण से नहीं हो पाए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने, हमारे पार्षदों ने, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया करूंगा, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के उन्होंने महसूस किया कि हमें इस समय कठुआ की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बदलाव लाया, तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ रजिंदर सिंह बब्बी को और उसके सारे साथियों को, जिन्होंने इस तरीके से सारा सहयोग किया। और हम कानून को भी, अदालत का भी शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारा पूरा इंसाफ किया, जस्टिस किया, और उस जस्टिस के जरिए आज रजिंदर सिंह बब्बी ओथ ले चुके। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे रजिंदर सिंह बब्बी को आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जितनी परिश्रम आपको करनी पड़ रही है, आगे भी कर रही, और काम में इससे ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी आपको। कठुआ को अच्छे तरीके से मिन्यूटली देखना पड़ेगा। यू नो बेटर, दो टाइम पहले भी रह चुके हैं, यू नो बेटर। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अच्छा काम करेंगे और कठुआ की प्रोग्रेस होगी और चेंज होगी, तब्दीली होगी, कठुआ सुखी भी रहेगा। कठुआ वैसे ही बहुत सफरर है, मैं जानता हूं। कहीं भी चले जाओ आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इतना बढ़िया शहर है, छोटे से पैसे लगने से शानदार हो सकता है, और कोई पहाड़ नहीं, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, प्लेन इलाका है सारा। इस, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तरक्की करने में कोई अड़चन आ सकती है। और जो भी गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं, उनके लिए प्रयास करें, कोशिश करें और कोशिश ये करें कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो मुझे भरोसा है इस बात का, और आप सारे सहयोग करते रहें, नुक्ताचीनी की तरफ मत जाएँ। अभी 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 आपको ओथ नहीं ली थी तो कोई कहना शुरू हो गया, देखो जी अभी इतने भी नए हो गए, बने हुए, कूड़ा पड़ा है, बहुत गंद पड़ा है। भाई साहब, ये समझ होनी चाहिए कि अभी ओथ ही नहीं है तो कूड़ा कौन उठाएगा? वो जब वो बंदा बना ही नहीं, कुछ अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो उसको ओथ ही नहीं हुई तो कैसे कुर्सी पर बैठ सकते हैं? आज से ये कुर्सी पर बैठेंगे, अब सारे चलेंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे और आज से अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैं बड़ी बड़ी बहुमत के साथ जीते थे, लेकिन तब भी कोर्ट फेस करना पड़ा और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास होता रहा है, चाहे उधमपुर की कौंसल हो, कठुआ की कौंसल हो। क्या देखते हैं कि लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? देखिए, जब सुनाई ना हो तो इसलिए कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है। लोकतंत्र का काम है कि उन्होंने वोट डालने, उन्होंने डाले, आगे अड़चने बनाई, तो ये इस बात के लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम नहीं परवाह करते। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2 महीना डिले हुआ कठुए की तरक्की, ये बड़ा नुकसान होगा, ये नुकसान की बात है। और कोशिश करेंगे जो 2 महीने लेट हुए हैं, इसको 24/7 काम किया जाए, 24/7, रात को भी घूमा जाए, हर चीज़ मन्यूट की जाए। तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात ही नहीं है, 21 वार्ड हैं, बढ़िया तरीके से हो सकता है। और इसका भी प्रयास करें, इतनी बड़ी कमेटी है हमारी और ये एक कॉरपोरेशन बनने के काबिल है, इसके बाढ़ भी बढ़ सकते हैं, इसकी आबादी भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आने वाला समय, मैं समझता हूँ, मेयर का हो कठुआ में, इसके भी प्रयास किए जाएं, एक कोशिश की जाए, क्योंकि कठुआ से बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे नेता हैं, सारे हैं, सबको ही हम कहना चाहेंगे कठुआ की प्रोग्रेस के लिए कुछ करिए और इसको आगे बढ़ाइए। दिस इज़ वेरी क्लियर। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को काम करना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, आपने एक पिक्चर देखी थी नायक, उसने एक दिन में पूरे हिंदुस्तान हिला दिया था, ठीक है, बेशक वो पिक्चर थी। और ऐसे ही जैसे मेरा स्टाफ है, अगर मैं अपने स्टाफ के साथ पूरा सहयोग करूंगा, ये मेरे साथ पूरा सहयोग करेंगे, तो हम दिन रात लग के जो काम हमारा करना होगा वो हम कम करेंगे।
सर, इससे पहले कुछ पार्षदों का ये भी आरोप रहता था कि जो कई वार्डों के हैं वो काम नहीं होते थे और कई वार्डों थी उनमें काम होते थे, तो जब आप अब अध्यक्ष बने हो तो क्या आप सबको बराबरी का उनकी डेवलपमेंट दोगे? देखो जी, जो फंड्स आते हैं वो पहले भी मेरे ख्याल सब वार्डों को बांटे जाते थे, लेकिन कुछ हो जाती थी बीच में आगे पीछे, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। अगर एक रुपया सबके हिस्से आएगा तो सबको एक एक रुपया ही मिलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, सबको बराबर मिलेगा। कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा तो दूसरे को दूंगा, अपने को दूंगा तो दूसरे को दूंगा, मैं सबको बराबर दूंगा और सबके काम बराबर करूँगा। प्राथमिकता है जो वो आप सारे देख ही रहे हैं कितनी हमारी क्या डेवलपमेंट है और कितनी ज़रूरत है और क्या क्या करने वाला है। बाकी फंड्स होंगे तो काम हम सारे करेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 972825 3663 पर।